हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको ऐसे 7 स्कूटर्स के बारे में जानकारी देंगे जो कि खासकर गर्ल्स के लिए ये स्कूटर है। वैसे तो इन दिनों गर्ल्स कोई भी स्कूटर चला सकती हैं क्योंकि आजकल गर्ल्स बाइक भी चला रही हैं। बात तो सही है। तो ऐसे में ये वीडियो किसके लिए है? जिनको थोड़ी सी हल्की स्कूटर्स चाहिए या फिर खासकर जो अच्छी लुक के साथ मिल जाती हो और जिसका वेट भी ज़्यादा ना हो। ऐसे में कौन से स्कूटर्स गर्ल्स के लिए अच्छी हो, क्योंकि हो सकता है फैमिली में अपने मम्मी या फिर किसी दोस्त के लिए या फिर किसी के लिए लेडीज़ के लिए आप अगर स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो कौन सी बेहतर रहेगी, उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। हो सकता है इसमें से कोई स्कूटर आपको पसंद भी आ जाए जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको परफेक्ट लगती हो। वैसे तो इंडियन मार्केट में आपको कई सारे स्कूटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको पसंद होंगे, लेकिन उनमें से जो बेहतर है उन स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। सभी स्कूटर्स अलग अलग हैं, अलग अलग फीचर्स के साथ मिल जाती हैं, अलग अलग लुक के साथ मिल जाती है, तो इनमें से जो आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 7th नंबर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 7th नंबर में मैंने ऐसे कंपनी को रखा है क्योंकि काफी सारे लोग इस स्कूटर को भी पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो लुक है बाकी स्कूटर से काफी अलग है। ये वेस्पा ZX125 है, वेस्पा कंपनी की आती है। थोड़ी सी महंगी स्कूटर जरूर है, लेकिन जिनको थोड़े से रेट्रो क्लासिक लुक वाली स्कूटर्स पसंद है उनके लिए ये स्कूटर परफेक्ट है। काफ़ी लेडीज़ को ये स्कूटर्स पसंद आती है क्योंकि इसमें जो कलर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है वो काफ़ी ग्लॉसी और काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ मिल जाती है और इसमें ज़्यादातर पार्ट मेटल की भी देखने को मिल जाती हैं। ये आपको 125 सीसी इंजन के साथ मिल जाएगी जो कि 9.9 पीएस का पावर और 9.60 एनएम की टॉर्क जनरेट करती है। और इसमें सबसे खास बात, इसमें जो फ्रंट में सस्पेंशन दी गई है सिंगल साइड फोर्क लगा हुआ है, फ्रंट में डिस्क लगा हुआ है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर भी मिल जाती है। तो इसमें बूट स्पेस 15 लीटर की दी गई है जहाँ पे सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं। USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए और बूट लाइट भी इसमें मिल जाती है। तो इसमें आपको एनालॉग बेसिक सा मीटर मिल जाता है जहाँ पे ऑडोमीटर, फ्यूल और स्पीड की जानकारी देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो 40 से लेकर 45 PMPL तक अप्रॉक्स माइलेज इस स्कूटर में आपको मिल जाएगी। तो माइलेज थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन एवरेज माइलेज इस स्कूटर में इतना मिल जाती है। तो इसकी जो सीट हाइट है 770 mm की है और इसका जो वेट है 114 kg है। तो ये स्कूटर थोड़ी सी भारी भी आपको लगेगी क्योंकि इसमें मेटल पार्ट ज़्यादा दिए गए हैं। प्राइसिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बता दिया ये थोड़ी सी महंगी है। इसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है दिल्ली में 1.15 लाख रुपीज़ यानी कि 1,15,000 रुपये तक है। तो जिन लोगों को वेस्पा के स्कूटर्स खासकर पसंद है उनके लिए ये सबसे सस्ती वेस्पा में बेहतर स्कूटर देखने को मिल जाती है, नहीं तो वेस्पा में और भी महंगे महंगे स्कूटर्स आते हैं। तो जिसको वेस्पा कंपनी के स्कूटर चाहिए उनके लिए ये मैंने यहाँ पे रखा है। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में, जो 6 नंबर पे है यामाहा कंपनी की फसिनो 125 है। तो ये स्कूटर 125 सीसी में आती है, लेकिन ये स्कूटर काफ़ी हल्की भी है। इसमें जो इंजन लगी हुई है 8.2 PS का पावर और 10.3 NM की टॉर्क जनरेट करती है। फीचर्स इसमें आपको कई सारे मिल जाते हैं क्योंकि इसमें आपको एनालॉग मीटर और फुली डिस्टॉर्टेड मीटर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑप्शन दी गई है। तो इसमें आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 50 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, लेकिन स्कूटर्स जैसे थोड़े से पुराने होते हैं 1 साल या फिर 1.5 साल उसके बाद स्कूटर्स की जो माइलेज होती है थोड़ी सी कम जरूर जाती है। और हाईवे पर अगर आप चलाते हैं तो स्कूटर्स ज़्यादा माइलेज देती है, सिटी में चलाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़े थोड़े दूर पर रुकना पड़ता है, ऐसे में माइलेज थोड़ी सी कम जरूर जाती है। तो एवरेज ये मान के चल सकते हैं कि इसकी जो माइलेज होगी, जैसे कि यामाहा फसिनो लेते हैं तो 50 KMPL तक स्टार्टिंग मिलेगी, लेकिन जैसे थोड़ी सी पुरानी होगी थोड़ी सी कम माइलेज हो सकती है। ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। तो इसकी जो सीट हाइट है 780 mm की है और इसका जो कर्व वेट है मात्र 99 kg है। तो ये स्कूटर आपको काफ़ी हल्की भी मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो कई सारे वेरिएंट मिल जाती है। ड्रम ब्रेक बेरिंग के साथ एक्सट्रीम प्राइस 76,600 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, डिस्क ब्रेक बेरिंग के साथ 86,230 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ड्रम ब्रेक बेरिंग के साथ 89,500 रुपीज़ से ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होती है, डिस्क ब्रेक बेरिंग का जो ऑन रोड प्राइस है 99,700 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो इस प्राइस रेंज में आपको यामाहा फसिनो मिल जाती है स्कूटर्स। अगर आपको इसमें खरीदना भी है तो ऐसे में आपको 90,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में आपको ऑन रोड प्राइस में यामाहा फसिनो आपको देखने को मिलती है। तो ये आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में, जो 5th नंबर पे है TVS कंपनी की आने वाली जुपिटर है, जो कि 110 सीसी में जो जुपिटर आती है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें कंपनी लगभग आपको 5 अलग अलग वेरिएंट भी देती है, तो जो आपको पसंद है उसको ले सकते हैं। इसमें क्लासिक वेरिएंट मिल जाती है, अगर आपको वो पसंद आती है तो उसको भी ले सकते हैं। इसकी जो इंजन है 7.88 PS का पावर और 8.8 NM की टॉर्क भी जनरेट करती है। फीचर्स की अगर बात करें तो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स भी दिया गया है। LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, एनालॉग मीटर और फुली डिजिटल मीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको पसंद आए पैसे के हिसाब से फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग भी देखने को मिल जाती है और इसमें USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, 50 से 55 KMPL तक मिल जाती है।
तो इसके जो सीट हाइट है 765 mm की है और इसका जो कर्व वेट है 109 kg है। तो ये भी स्कूटर्स यामा फसिनो से थोड़ी सी भारी जरूर है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको भारी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि काफी सारे लोग यूज करते हैं। प्राइस की बात करें तो एक्सरोम इसका जो प्राइस है बेस वेरिएंट के साथ 69,990 rupees है। तो इसका जो टॉप मॉडल है उसका एक्सरोम प्राइस 85,866 rupees है। तो अलग अलग वेरिएंट का आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल जाएगा। बेस वेरिएंट के साथ ऑन रोड प्राइस 81,900 rupees है, टॉप मॉडल के साथ 98,000 rupees तक ऑन रोड प्राइस है। तो आपको ऑन रोड अगर आपको जुपिटर चलाना है तो 82,000 से लेकर 100,000 rupees के बीच में अलग अलग जुपिटर मिल जाते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे होंडा कंपनी की एक्टिवा 6G है। ये स्कूटर में फीचर्स काफी कम मिल जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये स्कूटर काफी बेहतर है, इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा ये स्कूटर बेची भी जाती है। ये 110cc में आती है, जो कि 7.79 PS का पावर और 8.84 nm की टॉर्क भी जॉइन करती है। इसमें आपको बेसिक सा LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, एनालॉग मीटर दिया गया है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक वेरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, डिजिटल मीटर का ऑप्शन नहीं मिलता है। बूट स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाती है, जहाँ पे एक आप हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं। इसके अलावा अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 50 से 53 kmpl तक माइलेज मिल जाएगी, लेकिन स्कूटर जैसी थोड़ी सी पुरानी होती है आपको 45 से 50 kmpl तक माइलेज देखने को मिलती है। तो इसकी जो सीट हाइट है 765 mm की है और इसका जो कर्व वेट है 106 kg है। तो जुपिटर से ही आपको थोड़ी सी हल्की जरूर देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ एक्सरोम प्राइस 73,086 rupees है, डिलक्स वेरिएंट के साथ 75,586 rupees है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ 85,000 rupees तक आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाती है, डिलक्स वेरिएंट के साथ 87,500 rupees तक ऑन रोड प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये स्कूटर आपको जुपिटर से जो टॉप मॉडल है उससे आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी, क्योंकि इसमें फीचर्स काफी लिमिटेड दिए गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज सिंपल लुक के साथ अगर आपको स्कूटर चाहिए, ज्यादा आपको फीचर्स नहीं चाहिए, तो इसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे दो स्कूटर आपको देखने को मिल जाती है TVS कंपनी की तरफ से। TVS जेस्ट 110 को ले सकते हैं या फिर स्कूटी पे प्लस को ले सकते हैं। दोनों में केवल इंजन का आपको अंतर मिलेगा, बाकी काफी हद तक जो लुक है सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है, फीचर्स लगभग आपको सिमिलर मिल जाते हैं। अगर आप TVS जेस्ट लेते हैं तो इसमें आपको 110cc का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 7.71 bhp का पावर और 8.8 nm की टॉर्क जनरेटर मिल जाती है। और इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा, लेकिन LED DRS दिया गया है, एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही बेसिक से आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेगा। 19 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है और फ्रंट में आपको एक ग्लोव बॉक्स मिल जाता है बॉटल वगैरह रखने के लिए। USB चार्जिंग सॉकेट भी इसमें दी गई है। लेकिन वही अगर आप इसकी जगह पे स्कूटी पे प्लस लेते हैं, जो कि थोड़ा सा कम पावर जनरेट करती है, बेसिक सा फीचर्स मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो ये स्कूटर आपको 55 से 60 kmpl तक माइलेज देती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि माइलेज स्कूटर जैसी थोड़ी सी पुरानी होती है, माइलेज कम देना शुरू कर देती है। 50 kmpl तक एवरेज माइलेज आप लेकर चल सकते हैं। तो इनकी जो सीट हाइट है 760 mm की है और इसका जो कर्व वेट है TVS जेस्ट का 103 kg है, और स्कूटी पे प्लस का जो वेट भी है मात्र 93 kg तक है। यानी कि अगर आपको बहुत ही हल्की स्कूटर चाहिए तो आप स्कूटी पे प्लस के साथ जा सकते हैं। प्राइसिंग की अगर बात करें तो स्कूटी पे प्लस का जो प्राइस है 64,484 rupees तक एक्सरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस 73,550 rupees से स्टार्ट होती है, जो कि लगभग 78,850 rupees तक जाती है। तो अगर आप TVS जेस्ट लेते हैं तो इसका जो एक्सरूम प्राइस है बेस वेरिएंट के साथ 73,036 rupees है, लेकिन जो मैट सीरीज इसका मिलता है 74,713 rupees तक एक्सरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस लगभग 84,600 rupees तक इसकी ऑन रोड प्राइस चली जाती है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो ऐसे में आप TVS स्कूटी पे प्लस के साथ भी जा सकते हैं। जेस्ट थोड़ी सी आपको महंगी मिल जाती है TVS कंपनी की। तो इस लिस्ट में जो सेकेंड नंबर पे होंडा कंपनी की आने वाली डीओ है, इस स्कूटर्स को गर्ल्स और बॉयज दोनों चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये छोटे साइज के साथ स्पोर्टी लुक में ये स्कूटर मिल जाती है और इसमें आपको फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। अगर आप होंडा कंपनी के स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो ये स्कूटर आपकी पसंद बन सकती है। और कितने लोगों की ये फेवरेट स्कूटर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें 109.51cc का इंजन लगा हुआ है, जो कि 7.76 PS का पावर और 9 nm की टॉर्क भी जनरेट करती है। तो इसमें आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRS देखने को मिल जाती है, एनालॉग मीटर इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट मिलता है, डिजिटल मीटर आपको इसके डिलक्स वेरिएंट में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 18 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है और फ्रंट में आपको एक पॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 45 से 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज भी मिल जाएगी। बाकी इसकी जो सीट हाइट है 765 mm की है और इसका जो कर्व वेट है 105 kg है। तो होंडा एक्टिवा से ये थोड़ा सा हल्का बस है, 1 kg तक हल्का देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ इसकी एक्सरूम प्राइस 68,317 rupees है, डिलक्स वेरिएंट के साथ 73,317 rupees तक एक्सरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस इसकी 79,800 rupees, यानी कि 79,800 rupees से स्टार्ट होती है। तो ये आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाती है।
तो इस लिस्ट में गर्ल्स के लिए पहले नंबर पे कौन सी स्कूटर है, तो आप सभी ने गेस भी कर लिया होगा, ये हीरो कंपनी की प्लीजर प्लस है। और अब इसमें कंपनी एक्सटेक वेरिएंट बेचती है, लेकिन आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। प्लीजर प्लस में आपको कई सारे वेरिएंट और कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। ये 110 सीसी में आने वाली स्कूटर है, जो कि 8.15 पीएस का पावर और 8.70 एनएम की टॉर्क भी जनरेट करती है। फीचर्स इसमें आपको कई सारे मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, टॉप मॉडल में आपको एलईडी लाइट मिलेगी, बेस वेरिएंट में एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा, बाकी आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल भी इसमें देखने को मिल जाती है। फीचर्स इसमें कई सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप जितने पैसे खर्च करेंगे उतने आपको फीचर्स भी मिलेंगे। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, फ्रंट में ग्लोव बॉक्स भी मिल जाती है। बाकी इसमें माइलेज की बात करें तो 50 से 55 की एमपीएल तक माइलेज मिल जाएगी। तो इसके जो सीट हाइट है 765 mm की है और इसका जो कर्व वेट है 104 kg है बेस वेरिएंट के साथ। तो ये स्कूटर होंडा डियो से थोड़ी सी हल्की जरूर है, लेकिन एक्सटेक वेरिएंट 106 kg तक है, जो कि एक्टिवा के जितना भारी है। और सीट हाइट भी होंडा डियो, एक्टिवा और प्लीजा प्लस का सिमिलर है, 765 mm देखने को मिल जाती है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो कई सारे वेरिएंट मिल जाता है, सभी का प्राइस लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सरूम दिल्ली प्राइस बेस वेरिएंट के साथ 68,368 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, और इसका जो टॉप मॉडल है एक्सटेक वेरिएंट उसकी जो प्राइस है 77,268 रुपीज़ तक चली जाती है। तो इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो 79,868 रुपीज़ से लेकर 88,800 रुपीज़ तक इसकी ऑनरोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अलग अलग वेरिएंट का आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो ये 7 स्कूटर ऐसे हैं जो गर्ल्स के लिए आप चाहें तो खरीद सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको 7 नहीं बल्कि 8 स्कूटर्स के नाम बताए। और इसके अलावा इंडियन मार्केट में और भी स्कूटर्स हैं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप कोई भी स्कूटर्स चला सकते हैं, लेकिन जिनकी हाइट बहुत ही कम है उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कौन से स्कूटर की सीट हाइट सबसे कम है। लेकिन ये नॉर्मली किसी भी गर्ल्स के लिए ये स्कूटर्स अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। स्कूटर से आप ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो माइलेज होती है स्कूटर्स में 40 से लेकर 50 के बीच में एवरेज मिलती है, जब स्कूटर्स थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। तो इनमें से कौन से स्कूटर आपको बेहतर लगे या फिर कौन सा आप खरीदने की सोच रहे हैं या फिर कौन सा आप यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? Not bad. उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।